पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में खनन माफियाओं के द्वारा एसडीएम और खनन अधिकारियों पर हमला करने और डंपर छीन ले जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 नामजद आरोपियों के साथ 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 2 डंपर और उनके चालकों को मौके पर ही हिरासत में लिया था, जिसके बाद एक गुर्गे को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में खनन अधिकारी अशोक कुमार की तहरीर पर ठाकुर द्वारा थाने में 5 लोगों को नामजद करते हुए 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें फौलादपुर निवासी रईस प्रधान, रतिपुरा के वसीम, सरवत नगर के इरफान और कमालपुरी के दिलशाद रिजवान को नामजद किया है। खनन अधिकारी ने FIR में कहा है कि घटना के समय उनकी टीम में उनके साथ संविदाकर्मी मोहम्मद शाहरुख और 2 होमगार्ड भी साथ थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। मतलब क्या मामला है इस वक्त? मामला देखिए, छापेमारी होती, खनन इंस्पेक्टर ने यहाँ पर गाड़ी पकड़ी थी, 3-4 गाड़ियाँ, उसके ड्राइवर भाग गए थे। उसके बाद इन्होंने मुझे सूचना दी, मैं भी चूँकि यहीं पर था तो मैं आ गया। उसके बाद 2 गाड़ियों को चूँकि भाग गए थे तो चाबी बनाने वाले साथ में लाए थे, तो चाबी बनवा कर 2 गाड़ियों को यहाँ से रवाना कर दिया गया था मंडी समिति में खड़ा कराने के लिए। उसके बाद अचानक से 150 लोग आए, गाली गलौज करने लगे, गाली पत्थर देने लगे और एक गाड़ी यहाँ से रवाना किए कि मंडी ले जाने के लिए। तो वहाँ पर एक ड्राइवर जो ले जा रहा था, पता चला है कि उसको भी आगे ठीक की गाड़ी को और उसको मार के गाड़ी छीन के भाग गए हैं। और एक गाड़ी जो इधर बंद थी खड़ी थी, उसको भी भीड़ चूँकि बहुत ज़्यादा आ गई थी, फिर फोर्स आई है कि FIR एक व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी की गई है। बाकी FIR जितने लोग हैं सबके वीडियो हैं, फोटोज हैं, उसके आधार पर जो है उनको चिन्हित करते हैं। सर, ये खनन वालों का मामला है? हाँ, ये खनन अवैध डंपर चल रहे थे, लगातार शिकायत आ रही, क्षेत्र की जनता ही लगातार शिकायत हर बैठकों में करती थी और शासन से भी इसके हमेशा से आदेश रहे हैं और हमेशा लगातार छापेमारी के जो है कार्य चल भी रहे थे। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर छापेमारी की गई थी, शरीफ नगर से 2 गाड़ियों को बंद किया गया था, तो उसी में कार्रवाई की गई थी। चूँकि इन लोगों का संगठन है, सिंडिकेट चलाते हुए हैं, उन्हीं के लोग थे जो यहाँ पर आकर के सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं और गाली गलौज किए हैं और छीना झपटी का प्रयास। सर, किस विरोध से ये गिरफ्त कर रहे थे? मतलब कोई विरोध नहीं, इनका ये था कि हम गलत काम कर रहे हैं तो करने दीजिए, आप रोकने वाले कौन होते हैं? क्या कोई आरोप भी लगा रहे थे? आरोप को जाने क्या लगा रहे हैं, आरोप किस चीज़ का आरोप लगाएंगे? गाड़ी अगर उनको कोई बात करनी थी, व्यक्ति कह रहा था कि मेरी एक मालिक की 3 गाड़ियाँ पकड़ा गई हैं, हम जो है क्या करेंगे, तो आपकी गाड़ी पकड़ाएगी, आपको बात करना पड़ेगा। 3 गाड़ी की, 3 गाड़ी क्या आप अवैध रूप से 10 गाड़ी चलाएंगे तो क्या उसकी परमिशन दी गई आपको चलाने? सर, क्या इसमें कोई नाम चिन्हित हुआ क्या? एक लड़का भी पकड़ाया, अभी बताएगा, 2-3 फोटोज हैं लोगों को, हम लोग भी पहचाने थे, हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाए हैं जी जी, उसमें जो भी चिन्हित हो गए उनके। अभी फिलहाल तो 2 गाड़ी यहाँ से गई हैं, एक करणपुर को पकड़ाई थी, वो शाम को पकड़ाई थी, इसका अलग इशू है। यहाँ से 2 गाड़ियाँ जो है, चेकिंग यहाँ पर खनन इंस्पेक्टर थे, उनकी टीम थी, क्योंकि मैं भी यहीं पर था तो उन्होंने मुझे भी बताया था, तो मैं भी आ गया था मौके। क्या कोई चोटिला हुआ है इस मामले में? नहीं, यहाँ से कोई चोटिल नहीं हुआ, यहाँ तो जो है भीड़ चुकी काफ़ी ज़्यादा थी, 150-200 लोग थे, तो गाली गलौज कर रहे थे और उनका मेन उद्देश्य था कि लोगों को, इन लोगों को भ्रमित कर इधर उधर की बातों में फंसा के गाड़ियों को ले जाना। एक गाड़ी जो आगे गई थी उसमें ड्राइवर को शायद मारने का संज्ञान में आया है, अभी उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या। कैसा भी हमले से घेराव से क्या खनन माफियाओं पर नकल कर सकते हैं? नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी, इन लोगों को बताया जाएगा कि कार्रवाई क्या होती है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।